राज्य में निवासी डॉक्टरों द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। निवासी डॉक्टरों द्वारा हड़ताल का आज दूसरा दिन है। गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर अहिंसा व सत्याग्रह के मार्ग से डीन कार्यालय से शांति मार्च निकाला गया। साथ ही मांग पूरी न होने पर तीव्र आंदोलन का इशारा भी निवासी डॉक्टरों द्वारा दिया गया है। कोरोना काल में निवासी चिकित्सकों को लगातार बिना किसी आराम के मरीज का इलाज किया। दूसरी लहर में चिकित्सकों ने अपने परिवारों को भी अनदेखा किया। 3 साल की MD कोर्स में 20 माह कोरोना में बीत गए। कई चिकित्सक संक्रमित होकर गंभीर स्थिति में भी पहुंचे। कोविड के बाद भी नॉन कोविड मरीजों की देखभाल में लगे हुए हैं। इस दौरान चिकित्सकों की पढ़ाई के हुए नुकसान को लेकर फीस माफ करने की मांग की गई थी, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया था। इसके बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई। अपनी मांगों को लेकर मार्ड ने फिर से 25 सितंबर को पत्र भेजकर मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी दी थी। इस पर भी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, जिससे राज्य भर के निवासी चिकित्सक समूह हड़ताल पर चले गए। मैं डॉक्टर आदर्श कनकम, जनरल सेक्रेटरी मार्ट GMC नागपुर। कल सेंट्रल मार्ट ने पैन महाराष्ट्र रेसिडेंट डॉक्टर्स का स्ट्राइक डिक्लेयर किया था। हमारी कुछ 4 मांगे थी, जिसके लिए हम पिछले 5 महीनों से फॉलोअप ले रहे हैं और सरकार से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन ये मांगे हमारी अब तक पूरी नहीं हुई। इसलिए 1 अक्टूबर से हमने स्ट्राइक का डिक्लेयर किया था। कल हमारी DMER एंड डायरेक्टर से मीटिंग हुई सेंट्रल मैट की, लेकिन हमें कुछ लिखित में नहीं दिया गया। इसलिए आज हमारे स्ट्राइक का दूसरा दिन है। आज भी हमने स्ट्राइक कंटिन्यू रखा है और आज गांधी जयंती इस शुभ अवसर पर जो गांधी जी थे, जिन्होंने सत्याग्रह का प्रतीक जैसे बोल सकते हैं, और उन्होंने ये हमें सिखाया है अहिंसा और सत्याग्रह से कैसे अपनी मांगे आगे रखें। हमने भी आज वही एक दर्शाने का प्रयास किया है। हमने आज गांधी मार्च रखा था डीन फोर्स से यहाँ तक। अगर आज का दूसरा दिन है, आज भी अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या ये कंटिन्यू आगे रहेगा? हाँ, ज़रूर ये कंटिन्यू आगे रहेगा और इस स्ट्राइक की तीव्रता बढ़ा दी जाएगी। आगे जैसे ही सेंट्रल मार्ट से आगे के प्रोटोकॉल्स आते हैं, वैसे हम आपको इन्फॉर्म किया देंगे। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। दूसरे दिन निवासी डॉक्टरों द्वारा महात्मा गांधी जी की दिखाए गए मार्ग अहिंसा और सत्याग्रह पर चलते हुए अपनी मांगों को लेकर डीन कार्यालय से शांति मार्च निकालकर आंदोलन किया गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।